दोस्तों मुंगेर यूनिवर्सिटी पार्ट टू का एग्जाम नोटिफिकेशन आ चुका है, उसके साथ साथ एक जनरल नोटिफिकेशन आया है कोविड-19 का। तो उसके साथ आप एग्जाम हॉल में क्या क्या ले जा सकते हैं, क्या नहीं ले जा सकते हैं, आज की इस वीडियो में पूरे डिटेल के साथ जानने वाला हूँ। दोस्तों हमारे पुरानी वीडियो आप नहीं देखे हैं कि आपका एग्जाम सेंटर कहाँ है, कब से कब तक आपका ऑनर्स और कब से का आपका सब्सिडी की एग्जाम होने वाली है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप जाके दे सकते हैं। चलिए दोस्तों आज के इस वीडियो को कंप्यूटर के स्क्रीन पर यूनिवर्सिटी के ऑफिशियल साइट पर जा चुका हूँ, उसके बाद यहाँ से देख सकते हैं ये न्यूज बार दिया हुआ है, इसमें से न्यूज को भी पहले आता है, इसी में स्टेटस में चलते रहता है। तो यहाँ से दोस्तों एक जनरल इंट्रक्शन यहाँ आप देख सकते हैं कि सितंबर 12 स्पेशल इंट्रक्शन और एग्जाम सेंटर सप्लीमेंटिंग ड्यूरिंग पेनेडेमिक कोविड-19 का कुछ इंट्रक्शन दिया है, तो इस पर आपको क्लिक कर लेना है। दोस्तों जैसे आप इस पर क्लिक कीजिएगा तो इसमें पूरे डिटेल लिखा हुआ है कि क्या क्या आप अपने साथ ले जा, क्या क्या नहीं आप ले जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो के जानते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पीडीएफ ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद दोस्तों यहां से पूरी तरह लिखा हुआ है इंटायर एग्जामिनेशन फ्लोर एज विल बी डोर गेट, यानी कि दोस्तों यहां देख सकते हैं कि एडिक्विक हाइजेंसी एंड केमिकल को यहां पूरी तरह से हॉल को छिड़काव किया जाएगा, सैनिटाइज हॉल को किया जाएगा। उसके बाद पहले शिफ्ट में सैनिटाइज किया जाएगा, अगर सेकंड सीटिंग में है दोस्तों तो उसमें भी सैनिटाइज किया जाएगा। दोस्तों आपको इस तरह से अगर पीडीएफ का नहीं देखें तो पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहां से आप इसे डाउनलोड कर इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं, आसानी से इसे पढ़ लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद दोस्तों यहां से आप देख सकते हैं कि स्टूडेंट को पहले एक घंटा पहले आपको वहां पहले सेशन में पहुंचना होगा, आपको पहले सैनिटाइज किया जाएगा, उसके बाद रूम को सैनिटाइज तो पहले से किए होंगे, उसके बाद आपका थर्मल स्कैनिंग किए जाएंगे। यहाँ से पूरी तरह डिटेल इस तरह इसमें दिया हुआ है, तो चलिए देख सकते हैं आपको कितने दूरी में रहा। दोस्तों यहाँ से साफ साफ लिख दिया कि दोस्तों आपको 6 फीट की गज की दूरी पर आपको बिठाए जाएंगे। आपको दोस्तों 5 ml का एक सैनिटाइजर भी अपने साथ में ले जा सकते हैं। दोस्तों देख सकते हैं कि पर्सनल हैंड सैनिटाइजर 50 ml, यानी 50 ml का आप सैनिटाइजर ले जा सकते हैं। उसके बाद अदर आइटम विल बी नॉट परमिटेड, दूसरा आप कोई भी सामान आप एग्जाम हॉल में नहीं ले जा सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहां से देखते हैं कि 6 फीट की दूरी दिया, प्रत्येक कैंडिडेट को 6 फीट की दूरी पर बिठाए जाएंगे। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है, पहले एक घंटा पहले आपको एग्जाम हॉल में पहुंचना है। यहां से दोस्तों देख सकते हैं कि यहां दिया साफ साफ लिखा हुआ कि 1 hour बिफोर कैंडिडेट को एक घंटा पहले एग्जाम हॉल में पहुंचना होगा। आपको एग्जाम हॉल में एक घंटा पहले और उसके बाद एक मास्क आपको पहनना जरूरी है, उसके बाद हैंड ग्लव्स या हेयर ग्लव्स ये सब आप पहन के जा सकते हैं। दोस्तों आपको किसी तरह की कोई परेशानी एग्जाम हॉल में नहीं होने वाला है, इस तरह से पूरी तरह से सेफ एग्जामिनेशन होने वाला है। उसके बाद दोस्तों आप किसी तरह का भी नोटिस यहां से देख सकते हैं कि दोस्तों ब्लैंक पेपर शीट रॉफ वर्क इज नॉट अलाउडेड, यानी दोस्तों किसी एग्जाम में ऐसा था कि आप रॉफ पेपर वहां जाके ले जा सकते हैं रॉफ करने के लिए, लेकिन इस बार एग्जाम में किसी तरह से ब्लैंक आंसर शीट या बुक का किसी तरह से अलाउ नहीं किया गया है। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आपको एक सैनिटाइजर, एक ग्लव्स, एक हैंड ग्लव्स और एक ब्लैंक्स पेपर भी ब्लैंक्स पेपर आपको अलाउ नहीं है। दोस्तों आप 4 by 5 सामान ले जा सकते हैं। अगर वीडियो को नहीं डाउनलोड किए हैं तो दोस्तों डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद आप पूरी नोटिफिकेशन इस तरह से पढ़ सकते हैं। ये सब जनरल इंस्ट्रक्शन दोस्तों आपको आवश्यक फॉलो करना होगा, नहीं तो आप कोविड-19 से नहीं गुजर सकते। तो आज की इस वीडियो में इतने ही इन्फॉर्मेशन देने वाला था। अगर वीडियो अच्छे लगते हैं अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए ताकि वो भी आसानी से इंस्ट्रक्शन को फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।